हेलो जी, वेलकम बैक। तो जी मौसम सही हो रहा है धीरे धीरे। दो दिन यहाँ बहुत तगड़ी बारिश पड़ी है, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी है। तो देख सकते हैं वहाँ पे पूरा पार्क साफ हो चुका है, सारी बर्फ जा चुकी है, सिर्फ जो बर्फ बची है ना वो ये बची है घर के सामने। मम्मी आते हैं, जब मम्मी आएंगे, जब तक मम्मी आएगी तब तक सब साफ हो जाएगा। पर बस हमारे ही बर्फ बची है। तो कल कहानी ऐसी हुई कि कल हम ना कल रात को ही खाना खाने बाहर गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे। तो वापस आते हैं, रास्ते में पड़ा मेरा कॉलेज कार्लटन वाला यूनिवर्सिटी। तो हमने कहा यार, मैं चलो चक्कर मार के आते हैं, देख के आते हैं। अब तो थोड़ा कोविड वाला मामला थोड़ा ठीक हो गया, यहाँ पे चीज़ें खुल गई हैं। पर अब आज देखो वीकडे में टाइम मिलता नहीं, अब आज शनिवार है तो आज जाके देखते हैं। काफ़ी चीज़ें बंद होंगी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट एक बार जाके बस गेड़ी मार के आना चाह रहा था मैं, देख के आता हूँ क्या हाल है वहाँ पे। और काफ़ी मैसेजेस आते थे पीछे जब अपना कोविड था पिछले टाइम, तो ये मैसेज थे अपनी यूनिवर्सिटी दिखाओ। चलो आज देखते हैं कितना, देख के आते हैं कितना खुला है, कितना दिखा सकते हैं, कितना दिखा सकते हैं। बट लेट्स गो, चलो। तो फाइनली पहुंच गए हम यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी नहीं है, वो सामने रोड पर है, वो है यूनिवर्सिटी सारी कार्लटन। कहानी ये थी कि जब मैं यहाँ पढ़ा करता था उस टाइम मेरी क्लासेस लगती थी शाम को 6 से 9, हफ्ते में 3 दिन। और कहानी होती थी कि अंदर कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी एरिया के अंदर जितनी भी पार्किंग एरिया है वो सारे पेड है, कुछ भी फ्री नहीं है। मतलब सुबह से लेकर रात 10 बजे तक सब पेड होता है। और कहानी ये होती है यहाँ पर कि अब उस टाइम जब हम यहाँ पर नए आए थे, मैंने पढ़ाई शुरू कर दी यहाँ पर, तो उस टाइम पैसे की थोड़ी तंगी होती थी, तो हम थोड़ी किफ़ायत से चला करते थे। तो इस वाले लॉट में बड़ी लिमिटेड पार्किंग है जो फ्री होती है। अब जैसे अभी मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे 8 से 4 2 घंटे लगा सकते हो फ्री, पर 4 के बाद जितना मर्जी लगाओ कोई दिक्कत नहीं। मेरी क्लास 6 बजे शुरू होती थी, मैं 4 बजे तक पहुँचा करता था कॉलेज, क्योंकि हमें थोड़े असाइनमेंट्स बनाने होते थे। तो बस पहुँचते यहाँ पे, गाड़ी यहाँ लगाते थे, यहाँ से पैदल क्रॉस करके जाते थे उस साइड, फिर जाते थे क्लासेस में थोड़े पैसे जाके। अब मैं वही करके देख रहा हूँ सारा कुछ कि कैसा फील हो रहा है अब, उस टाइम कैसा फील होता था कि भाई थोड़ी बड़ी किफ़ायत से चला करते थे। तो अब चलते हैं रोड क्रॉस करके कॉलेज की तरफ। बाबा कॉलेज निकलता है, मुझसे यूनिवर्सिटी है यार ये। तो पीछे बोला कहते हैं रग्बी वाला स्टेडियम, फुटबॉल बोलते हैं वैसे, रग्बी नहीं बोलते हैं यहाँ पे। और इधर हमारे साइड है एलुमनाई हॉल, यहीं पे शायद मेरी कन्वोकेशन हुई थी 2 साल। कितना हो गया यार, पता नहीं, अब जितने भी साल हो गए। तो ये हम तो अभी यहीं पे घूम रहे थे इधर उधर, ये इतना ट्रॉफीज़ देख रही थी वहाँ पे, दीवार हॉल ऑफ फेम देख रही थी, वॉल ऑफ फेम। तो अब हम यहाँ घूम रहे थे, घूमते घूमते हमें यहाँ पे एक अपने देसी भाई मिले, वो मैं पहचान लिया हमें। तो वो क्या बताया ना कि वो यहाँ पे अभी इस टाइम करंटली स्टूडेंट है और वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही कुछ काम करते हैं, उनकी जॉब भी यहीं पर है। तो हमने कहा भाई हम तो यहाँ पे आए, हमें चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट लग रही हैं। जैसे हमारी जो कॉन्वोकेशन हुई थी वो इसी हॉल के अंदर हुई थी, तो उन्होंने बताया कि कहते हैं अब इसको पासपोर्ट कोड बना दिया, पहले यही हुआ करता था। मेरे को भी लगा यार तो चीज़ें डिफरेंट है यहाँ पे काफ़ी। तो फिर यहाँ पे टनल एक्सेस जो था यहाँ इस बिल्डिंग से वो बंद है। तो अब ये बता रहे हैं कि कोविड के चक्कर में हमने टनल एक्सेस बंद किया हुआ है, पर ये दिखाएंगे रास्ता कहाँ से जा सकते हैं। तो ये हम जैसे बता रहा था, तो हमें यहाँ पे मिले ललित शर्मा जी। तो ये यहाँ पे काम भी करते हैं, यहाँ पे पढ़ाई भी करते हैं। हाँ जी। आप कौन सा कोर्स कर रहे हो यहाँ पे? मास्टर ऑफ अप्लाइड बिजनेस एनालिटिक्स। नाइस। 2 साल का? 2 साल का है। और 1 साल आपको हो गया आपने बताया? हाँ जी, हाँ जी। तो ये 28 मार्च को 1 साल हो जाएगा। ओके। कोर्स बेसिकली 16 मंथ्स का होता है। हाँ। वो 16 to 2 years कहते हैं, वो 16 महीने से 2 साल। चलो बढ़िया। तो ये अब हमें लेके जाएंगे अंदर से, क्योंकि वैसे एक्सेस है नहीं। हाँ जी, पब्लिक एक्सेस अलाउड नहीं है। हाँ चलो फिर चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं उस वाली साइड। अंदर मास्क पहनना पड़ेगा, यहाँ अंदर इनडोर में मास्क कंपल्सरी है। सो Thank you.
तो जो हमारी पुरानी जिस बिल्डिंग में मेरी क्लासेस लगती थी वो इस टनल में आगे जाके है वो वाली बिल्डिंग, पर उस बिल्डिंग का एक्सेस अब बंद है क्योंकि इस टनल में हम आगे जा नहीं सकते क्योंकि बंद कर रखी है। और जो मेरे साथ भाई साहब हैं ललित जी, इन्होंने बताया कि जो कोर्स मैंने किया था उसी ब्रांच में उसी डिपार्टमेंट में एक और कोर्स है जो ये कर रहे हैं, जो उस टाइम नहीं होता था जब मैंने किया था। और वो जो कोर्स था उसकी क्लासेस जो थी अब वो उस बिल्डिंग में नहीं लगती, वो इस बिल्डिंग में लगती हैं जो कि कहते हैं निकोल बिल्डिंग। चलो तो इसकी क्लासेस भी शाम को ही होती है? हाँ, ये बेसिकली ये जो कोर्स है ना ये प्रोफेशनल्स के लिए ही है। हाँ, okay. तो 6 से 9 शाम का टाइमिंग है और आप उसको ऑनलाइन भी कर सकते हो अटेंड, अगर आपको फिजिकली होना है तो आप जा सकते हैं, ऑफलाइन है कोर्स। हमारे टाइम ऑफलाइन नहीं था, हमारे क्लासेस लगती थी, हमें आना पड़ता था। हमारे टाइम में ऑप्शन है। चलो चलते हैं ऊपर देख के आते हैं, नई क्लासेस देखते हैं कहाँ लगती हैं। याद आई कुछ पुरानी यादें आ रही हैं धीरे धीरे याद आ रहा है कि पर तो टनल बहुत लंबी है पूरी, तो उस टाइम तो टनल रटी हुई थी कि कहाँ से कहाँ निकलती है, अब भूल गया। अब ऐसे भी एक्सेस भी नहीं है कि भाई दोबारा एक बार रिवाइज कर लो। ऐसे किसी ऑफिस के अंदर एंटर कर रहा हूँ, ऑफिस स्पेस में मीटिंग रूम्स हैं, बाकी मैनेजरों के लगते हैं अलग से रूम है, ये कॉन्फ्रेंस रूम हो गया, बहुत ही प्यारी बिल्डिंग बना रखी है, बहुत ही सही सेटअप है। लेकिन हमारे टाइम में ऐसा क्यों नहीं था? ये हमारे कहते हैं टोनी वैलेटी सर जो थे हमारे ये डायरेक्टर थे इस प्रोग्राम के, सारे प्रोफेसर अभी भी हैं, माइकल वाइज, मीका वेस्टलैंड, ये बहुत ही प्यार थे। लेकिन ये है फिनलैंड से, ये मार्क्स दे देते हैं, ये आराम से मार्क्स देते हैं, मतलब कि इवन प्रोजेक्ट में आराम से सबको पास करवा देते हैं। सबसे फेवरेट टीचर हमारी है। ये है क्या? ये तो बताओ। ये है बेसिकली क्लासरूम है, यहाँ पे लगती है क्लासेस, खूब सारे बच्चे बैठाते हैं यहाँ पे सामने, उनको पढ़ाया जाता है, टीवी पे दिखाते हैं प्रेजेंटेशंस। खूब सारी किताबें आस पास, अब यहाँ पे मैडम ने एक किताब उठाई और अच्छे बच्चों की तरह पढ़ने के लिए बैठ गई। तो लाइब्रेरी में काफ़ी जगहों पे इन्होंने अच्छी अच्छी सीट्स लगा रखी हैं बच्चों के बैठ के पढ़ने के लिए, जहाँ पे आराम से बच्चे बिना किसी डिस्टर्बेंस के बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। ये तो हुआ कहानी फर्स्ट फ्लोर की। अब ऐसे ही इस बिल्डिंग में जैसे मैंने बताया 5 फ्लोर हैं, तो अब हम चलते हैं 5वें फ्लोर की तरफ। तो जब मुझे याद है कि हम जब मेरा क्लासेस लगा करती थी जिस ज़माने में, उस टाइम कोविड तो था नहीं, तो ऊपर वाला जो 5वां फ्लोर है पूरा खाली हुआ करता था, खाली बेसिकली यहाँ पे लगी होती थी गोल गोल बढ़िया बढ़िया चेयर्स, छोटे छोटे टेबल जहाँ पे पूरे अपना ग्रुप बैठ के आराम से डिस्कशन कर सकते थे, पढ़ सकते थे। पर अब यहाँ पे बस यही है कि बहुत ही साइलेंस वाला एरिया है, दूर दूर सीट्स लगी हुई हैं। ये 5वें फ्लोर से बढ़िया सा नज़ारा, ये जैसे मैं बता रहा था यहाँ पे अलग अलग सीट्स लगा रखी हैं बच्चों के बैठ के पढ़ने के लिए, ये थोड़ी और सीट्स, ऐसे ही पूरे फ्लोर पे इन्होंने अच्छे से बढ़िया से सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। बट कोई चहल पहल नहीं, बच्चे बहुत कम हैं, सब दूर दूर बैठे हैं, और ये बढ़िया सा इलाका जहाँ पे लगी हैं बढ़िया सी फैंसी चेयर्स, और यहाँ पे 3-4 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये एरिया सर क्वाड कहते हैं इसको,
स्टूडेंट्स का सिटिंग एरिया भी है, प्लस यहाँ अगर कुछ फंक्शंस वगैरह होता है, फेयर होता है, इवेंट्स होते हैं, तो यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं. सही है. तो क्वाड इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ एक साइड पे लाइब्रेरी है, इसकी अपोजिट टोरी बिल्डिंग आती है, और उसके अक्रॉस आपका टंटन टावर है जो कि बहुत पुरानी बिल्डिंग है, और सामने पैटरसन हॉल है. ओके. पैटरसन हॉल में आपका काफ़ी फंक्शंस वगैरह गैदरिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही है. तो इनका हम बहुत टाइम खा चुके हैं, अब इनको फटाफट जाने देते हैं क्योंकि इनका भी काम पे लगना है. हाँ जी, हाँ जी. तो आपसे मिलते हैं बाद में कभी. sure, और sure. बहुत थैंक्स पूरा टूर देने के लिए. मतलब इतना टूर तो हमने हमें कभी नहीं मिला जब हम यहाँ पे पढ़ते थे. हाँ, जितना इन्होंने दिया जब हमें. चलो जो मेरी मास्टर्स की ख़त्म हुई थी 2018 में, ठीक है, उसके बाद से अब तक यहाँ पे इतनी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं कि अगर ये भाई साहब मेरे को ना मिलते ना हम यहाँ पे, मैं समझ नहीं आता हूँ कहाँ जाऊँ. मैं टनल में घुस नहीं सकते थे. जो मेरी वाली बिल्डिंग थी जहाँ पे क्लास लगती है, वो बिल्डिंग वहाँ पे अब क्लासें लगती नहीं, वो डिपार्टमेंट चेंज हो गया, दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया. ये मुझे कहाँ से पता चलता है यहाँ मेरी क्लास होती थी बट ये बंद है, मैं अंदर नहीं जा सकता. यहाँ मेरी लाइब्रेरी होती थी बट ये बंद है, मैं अंदर नहीं जा सकता. यहाँ टनल हुआ करती थी जो बंद है, मैं यहाँ जा नहीं सकता. बस ये बाहर से देख लो, अच्छा लग रहा. ठीक है, यही करना. चलो चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है. ऐसे होता है. मैं इसमें और मेरी यूनिवर्सिटी में पता मेन फर्क क्या है, ये पूरा कैंपस है, प्रॉपर फील आती है कि यूनिवर्सिटी के अंदर हो. इस साइड बिल्डिंग, उस साइड बिल्डिंग है, कोई डिपार्टमेंट इस तरफ है, कोई डिपार्टमेंट उस तरफ है. हमारी यूनिवर्सिटी में क्या होता था मॉन्ट्रियल में, वो एक्चुअली है डाउनटाउन के अंदर. ठीक है, जैसे यू ऑटो है वैसा वाला हिसाब है. नहीं, यू ऑटो हाँ काइंड ऑफ वैसा सा है. तो उसमें कोई वो नहीं होता था अपना, कोई उसके प्लेग्राउंड नहीं होते थे, कोई ऐसे कैंपस में एक्टिविटीज़ नहीं होती थी. वो एक बिल्डिंग डाउनटाउन के इस साइड होती थी, दूसरी बिल्डिंग उस साइड होती थी, दो ब्लॉक छोड़ के तीसरी बिल्डिंग चार ब्लॉक छोड़ के. बस इतने में हमारी लाइफ होती थी कि एक क्लास इस बिल्डिंग में लगती है, एक हॉल बिल्डिंग में लगेगी, एक लाइब्रेरी बिल्डिंग में लगेगी, बस. बट यहाँ प्रॉपर फील आती है कि एक्चुअल में जो मूवीज़ में दिखाते थे ना, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं बच्चे, जाते हैं वहाँ पे अपने गेम्स वगैरह खेलते हैं, वो एक्चुअल फील यहाँ आती है. हाँ जी, वापस चलिए. हाँ चलते हैं, वापस चलते हैं. अब वापस किधर पता नहीं यार, रास्ता आ तो भाई बड़े ईजिली कहते हैं वो भाई साहब ले यहाँ पे, उनको रस्ते रटे हुए थे आगे. मैं तो भूल ला के हूँ सारे रस्ते आगे, मैप्स पे दे रहा हूँ कि कहाँ से रास्ता, गाड़ी कहाँ लगाई थी, वॉक करके कहाँ जाना है. चलो ये ढूंढने रास्ता. तो ये जो पीछे बिल्डिंग है ना, इसको बोलते हैं रेजिडेंस कॉमन्स. तो बेसिकली ये यहाँ पे बच्चों का हॉस्टल है, जो यहाँ पे वो बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पे हॉस्टल में रह सकते हैं, पर थोड़ा महंगा है क्योंकि बिल्कुल यूनिवर्सिटी के अंदर है ना, बीच में एकदम सेंटर में. चलो जी, फिर ये तो था छोटा सा टूर कार्लटन यूनिवर्सिटी का. बताइएगा आपको कैसे लगी. हाँ, और अगर आपने पढ़ने आना हो यहाँ पे तो हाँ. देख लेना कैसी है, पहले दिखा देते हैं थोड़ा बहुत. बाकी ऑनलाइन तो बहुत कुछ है देखने के लिए. यस, बाकी मेरी यूनिवर्सिटी भी चलेंगे कभी. अभी कभी मॉन्ट्रियल साइड गए तो फिर इसकी यूनिवर्सिटी दिखाएंगे. या फिलहाल मेरी वाली कार्लटन. चलिए जाके खाइए, कुछ भूख लग गया इतना चल चल के. बहुत चल रही है आज, मतलब इतना रेगुलर चलते नहीं है दिन में. बहुत चलिए. चलो जी, तो फिर हम यहीं करते हैं आज की वीडियो समाप्त. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम कार्लटन यूनिवर्सिटी.